नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। यूपी के कानपुर के पुखराया में दिल दहलाने वाला हादसा। पटना इंदौर एक्सप्रेस की 14 बोगियां पटरी से उतरी, 90 लोगों की मरने की आशंका, 100 से ज्यादा लोग घायल। एनडीआरएफ और सेना का राहत बचाव कार्य जारी। कानपुर ट्रेन हादसे में मरने वालों के परिजनों को सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 3.5 लाख का मुआवजा, घायलों को 50,000 का मुआवजा देगी सरकार। पटना इंदौर एक्सप्रेस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। रेल मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन आज भारत की पारी लड़खड़ाई। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में ही जल्द गंवाए विकेट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को किया ढेर। 4 महीने से अधिक समय के बंद के बाद घाटी में जनजीवन पटरी पर लौट रहा। नोटबंदी का आज 12वां दिन, बैंक बंद होने की वजह से सुबह से एटीएम के आगे लगी लंबी कतार। नोटबंदी से बाजार प्रभावित। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।